दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। हम कोरोना संकट में लॉकडाउन से संघर्ष कर रहे हैं। लॉकडाउन आगे 17 मई तक बढ़ गया है, लेकिन छात्रों को, मजदूर भाई बहनों को और फंसे हुए लोगों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है और ये व्यवस्था निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति भ्रमित करके किसी भी से ऐसे स्पेशल ट्रेन के यात्री से अगर कोई पैसा लेने की कोशिश करता है तो आप सावधान रहें, शिकायत करें, क्योंकि इस टिकट का 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है और 15% राज्य सरकार, जिस राज्य में आप जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक घोषणा की कि हम वहन करेंगे छात्रों मजदूरों का ये किराया। 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है, 15% राज्य सरकार वहन कर रही है। तो कांग्रेस क्या वहन करना चाह रही है और किसको वहन करना चाह रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अगर सच में कांग्रेस हेल्प करना चाहते इस कोरोना संकट में, तो पीएम केयर्स फंड में एक हैंडसम अमाउंट देना चाहिए और इसके लिए हम सब धन्यवाद भी करेंगे केंद्र सरकार को इस सारी योजना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।